हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? तो बच्चों, आज आपका ये एक विशेष सेशन होने वाला है। आप इसे पूरा एंड तक देखना, ध्यान से देखना। क्लास 6 की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेशनल और इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में। स्क्रीन पर आपको कुछ इमेज स्लाइड हो रही होंगी, आप समझ रहे होंगे ये क्यों दिखा रहे हैं, इसका क्या मतलब है। तो आज मैं आपको यही पढ़ाने वाला हूँ, आप ध्यान से देखो पूरा एंड तक, इस क्लास को देखना, ठीक है? चलिए देखिए साथियों, जैसे कि हमारे यहाँ कोई चीज़ होता है तो हम लोग उसकी काउंटिंग करते हैं ना, इंडियन नंबर सिस्टम में ना, मतलब गिना जाता है, जैसे लाख में, हजार में, 100, 200 में, ऐसे ही गिनते हैं ना। लेकिन जो विदेशों में है, जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, और भी अदर कंट्री में, एक प्रकार से अगर बात करें इंटरनेशनल लैंग्वेज में, तो वहाँ पे लाख नहीं बोला जाता है। कि जैसे मान लीजिए अभी हाल ही में भाई महामारी जो आई है, इसमें कहते हैं कि वहाँ पे हमारे यहाँ के लोग बोलते हैं कि अमेरिका में 10 लाख 20 लाख केस आ गए, लेकिन वहाँ के लोग लाख नहीं बोलते। वहाँ जो रह रहे हैं वो लोग क्या बोलेंगे? मिलियन बोलेंगे, इतने मिलियन मरीज हो गए। तो आपने सुना तो दोनों होगा, लेकिन आप इसका मतलब नहीं जानते हो ना। तो आज मैं वही आपको बताने वाला हूँ, पूरा एंड तक देखना। एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दिखा दूँ। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, पीवीआर स्टडी का लोगो दिख रहा है ना, इसमें मैं दिखूँ या ना दिखूँ, अब आप देखो यहाँ पे पीवीआर स्टडी इलाहाबाद लिखा है सबसे ऊपर चैनल का नाम ना। उसके नीचे देखो, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ध्यान से देखो, आपको सिर्फ समझना है, तो लिखा है 265 के सब्सक्राइबर ना। अगर आप यूट्यूब पे देखोगे वहां पे लिखा होगा 265 के सब्सक्राइबर। तो साथियों, ये के का मतलब क्या होता है, हम आपको बताएं। जब सही सही में हम स्टार्टिंग में यूट्यूब पे वीडियो देखना शुरू किए थे, तो हमें मतलब पता लगता था कि के का मतलब करोड़ होता है। तो मैं यही सोचता था कि जिस पे वीडियो पे के दिखे, हम जाने कि उसको 1 करोड़ लोगों ने देखा या फिर 1 करोड़ लोगों ने सब्सक्राइब किया है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए मैं आज आपको इसकी पूरी सच्चाई बताता हूँ। ईमानदारी से इस क्लास को पूरा एंड तक देखना, बीच में कहीं भी आपको जाना नहीं है। देखिए यहाँ पे समझिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने नंबर लिखा, तो आप कहोगे हाँ भाई इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, इसको तो आप पढ़ ही लोगे, दोनों एक ही में पढ़ना होगा कॉमन, एक प्रकार से, ठीक है? इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम दोनों कॉमन एक में पढ़ना होगा। तो पहले हम साधारणतः बात कर लेते हैं हम लोग की बोलचाल भाषा वाली। हाँ, ये जो मैंने के वाला बात किया उसको पहले बता दूं, तब समझो। अगर 100 के लिखा है भैया, इसका मतलब है 1 लाख, ठीक है? इसका मतलब ये मत समझना 100 करोड़, नहीं। अगर कहीं करोड़ की बात आएगी तो उसको सी से डिनोट करते हैं, के से नहीं होता है। तो आप ऐसे समझो, अभी मैं सारी बात स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, आप समझने की बस कोशिश करो। देखो इधर साइड में आप लोग, इसको तो हम लोग परिचित हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे गिन करके ना, हाँ जानते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, जैसे इधर साइड में आपको दिख रहा है, ठीक है? इधर ऊपर साइड में मैं कुछ बड़ी गिनती लिखता हूँ, जैसे मान लो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। मान लो कि हम इसको अरब तक लिखते हैं, चलो ठीक है, 4 4 8 2 10 गिनती तक ना, अरब तक है ना। अब इसे आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो भाई, समझो आप लोग, हाँ समझो, क्या बताने वाले हैं उसको समझो। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, दोनों लैंग्वेज में हम बात करेंगे। अब ये मत कहना कि आप ऐसे काहे बता रहे हो, यहाँ पे इंडियन और इंटरनेशनल दोनों नंबर सिस्टम की बात हो रही है। क्लास को पूरा देखना है, आपको जाना नहीं बीच में, नहीं तो कहीं भाग जाओ, हाँ निकल नहीं लेना। चलो देखो समझो, पीछे साइड से हम लोग गिनना शुरू करेंगे। कहाँ से? पीछे साइड से। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसे क्या गिनते हैं, इकाई। क्या गिनते हैं? आप लोग लिख लो, चाहे तो लिखना चाहो तो इकाई, फिर उसके आगे क्या आएगा, दहाई, फिर उसके आगे सैकड़ा, ऐसे हो। क्योंकि हमें यहाँ पे टाइम भी बचाना है, इसलिए हमें आपको जल्दी दिखाना होगा। तो आप स्क्रीन देखो, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप इसको पूरा एक तरफ से गणित समझो। देखो यहाँ पे चलते हैं भैया, अगर हम यहाँ पर सिंपल में लिख दें 158, तो आप सभी कहोगे गुरुजी तो 158 लिखा है, इंग्लिश मीडियम में बोलोगे 158 लिखा है। हाँ, अगर मैंने एम ए का दूठी और लटका दिया आगे पीछे, तो आप इसको तब भी पढ़ लोगे ना, इसको कहेंगे 5,15,891। लेकिन ये जो हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ये क्या है? ये इंडियन नंबर सिस्टम है, ठीक है? इंडियन नंबर सिस्टम है। पहले इनके दादा के बारे में बात कर लेते हैं, जो ऊपर इनका पूर्वज, इनके नियम बना के गए, उसको समझिए, ठीक है? देखिए साथियों, यहाँ पर हमने कितने अंक की गिनती लिखा है, पहले आप गिन के बताओ मुझे, कितने अंक की है?
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, भैया इससे बड़ी तो हमारे समझ से गिनती का कभी कोई काम नहीं लगता है। ठीक है, आप अरबपति हो जाओगे तब भी काम नहीं लगेगा जल्दी से, तो इसके आगे हम नहीं बताने वाले हैं। प्रायः लोग यहीं तक गिनते हैं क्योंकि हमारे जो विश्व की जनसंख्या है देशों की, वो यहीं तक पहुंची है अभी, इसके आगे पॉपुलेशन नहीं पहुंची है भैया, समझो। तब बात करते हैं, हम लोग की लैंग्वेज में इकाई गिनते हैं, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10 हजार, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, फिर अरब, फिर 10 अरब, इसके आगे मानते हैं खरब। ठीक है, वहां पे हम अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर इंटरनेशनल लैंग्वेज सिस्टम में बात करें, देखो हम दोनों एक साथ में इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे आपको अंतर समझ में आए। ठीक है, अंतर समझोगे तो आपको आ जाएगा। अगर इंटरनेशनल लैंग्वेज में हम बात करें तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, उसके बाद फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और फिर बिलियन और 10 बिलियन। आप लोगों को इसको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी बता सकता हूँ। देखो मतलब ऐसे समझ लो, ये तो मैंने शुद्ध हिंदी लिखा है, जो लोग इंग्लिश में बोलते हैं जैसे 1,58,000 वगैरह ना, तो ये चीजें कॉमन होती हम लोग के लैंग्वेज में, यहाँ तक लगभग 10,000 तक कॉमन होती है। ठीक है भाई, देखो हम तो इसको हिंदी में लिखे हैं, हम भी तो इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, तो इसको इकाई को बोलते हैं इंग्लिश में वंस, दहाई को क्या बोलते हैं बच्चा, दहाई को टेंस बोलते हैं, इसको हंड्रेड, सैकड़ा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हंड्रेड बोलते हैं, हम लोग की लैंग्वेज में भी यही बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हंड्रेड, आप स्पेलिंग लिखना जानते हो, इसको थाउजेंड बोलेंगे, TH लिख लो शॉर्टकट में, थाउजेंड। आप कहोगे फिर तब तो कोई अंतर ही नहीं हो रहा है, आप इंटरनेशनल लैंग्वेज सिस्टम में भी वही बता रहे हो, इंडियन में भी वही बता रहे हो, नीचे जो मैंने लिखा है ये सब इंडियन नंबर सिस्टम है, ऊपर जो लिखा है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज मतलब है। ठीक है, तो समझो ये हिंदी भाषा में नीचे लिखा है और इसकी इंग्लिश भी होती है। अब इंग्लिश और हिंदी इसको दोनों में लिख रहा हूँ, और जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है उसको हम हिंदी में नहीं लिख रहे, सिर्फ इंग्लिश में है। अब समझिए, ये 100 हो गया ना, उसके बाद 1,000, उसके बाद ये क्या होता भैया, 10,000, 10,000, TH, ठीक है, ये TTH, 10,000, यहाँ तक तो गलीमत है, यहाँ तक तो 10,000 इधर भी है, और अगर तुम ऊपर साइड में जाओगे तो यहाँ पे 10,000 है, बराबर है ना। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता भैया, यहाँ से क्या शुरू हो जाता है, लाख, या यहाँ पे है ना लाख, इसको मैं यहाँ से एरो बना के लाता हूँ यहाँ नीचे दिखाने के लिए, क्योंकि ऊपर जगह नहीं है, समझना। ठीक है, ये एरो समझो कहाँ से निकला, यहाँ से, ये लाख वाला। ठीक है, अब यहाँ पर हिंदी में हम अगर पढ़ेंगे भैया, तब ये क्या हो गया, ये लाख में आ गया, अब इसको तुम वो चीज नहीं बोलोगे जो उधर साइड में समझ रहे थे। ठीक है, अब इसको 100,000 नहीं बोलेंगे, अब हम इसको लाख बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लाख। ये अंतर हो रहा है ना, यहाँ से अंतर हो रहा है ना, इंडियन नंबर सिस्टम में यही अंतर है, यहाँ से क्या हो गया लाख, ऊपर क्या हो रहा था, 100,000, समझ गए ना। अब यहाँ तक मैं आपको समझा देता हूँ, जहाँ तक मैंने ये बनाया है, इसके आगे हम बात करेंगे बाद में, पहले यहाँ तक आप लोग समझ लो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे गिनती लिखा, यहाँ पे समझो गिनती तो तुम छोड़ दो, जो ऊपर लिखी है उसी गिनती को पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो ये 5 लिखा है, 9 लिखा है, 3 लिखा है, 8 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है ना, यहाँ 2 तक ही लाख पूरा हो रहा है, 2 तक ही लाख पूरा हो रहा है ना पीछे साइड से, तो चलो गिने। अगर हम इसको इंडियन नंबर सिस्टम में बोलेंगे तो क्या पढ़ेंगे, 2,18,395, बोलो बोलेंगे कि नहीं भाई, 2 से शुरू करो। इंडियन नंबर सिस्टम में क्या पढ़ेंगे बाबू इसको, 2,18,395। लेकिन अगर इसे हम इंटरनेशनल लैंग्वेज सिस्टम में चलें तो क्या पढ़ेंगे, पता है क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, देखो समझो, यहाँ पे लिखा है ना 100,000, 100,000 का मतलब ये है, हम इसको एक 100 का एक प्रकार से ग्रुप बना के बोलेंगे। अगर 100 निकला, कुल मिला के सब कुछ तुम छोड़ दो पीछे से, इंटरनेशनल लैंग्वेज सिस्टम में तीन तीन अंक पे कामा लगाते हैं, तो यहाँ पे देखो 3 अंक हो रहा है, यहाँ पे कामा लग जाएगा, यानी हमें इसे 2 ही बार में बोलना है, बस इतना जान लो, एक बार में इतना बोलना है, एक बार में इतना। इंटरनेशनल लैंग्वेज सिस्टम की ये मुख्य जो है वो अंतर है एक प्रकार से, हम इसको इंडियन नंबर सिस्टम में पढ़ रहे थे तो 2 लाख अलग कर लिए, 18,000 अलग कर लिए, 395 अलग कर लिए, मतलब इसको हम तीन शब्द में बोल रहे थे ना, 2,18,395 बोल रहे थे ना, 2,18,395,
395, लेकिन इंटरनेशनल लैंग्वेज सिस्टम में इसको हम दो वर्ड में बोलेंगे, वो क्या, 218,000, मतलब 218,000, यानी इनके यहाँ जो हजार की गिनती होती है वो 100 के ऊपर भी होती है, ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है, 100,000 अगर हो गया तो कहते हैं नहीं अब 1,00,000, समझ रहे हो ना। अगर किसी के पास 100,000 रुपया हो गया तो कोई ये नहीं कहता 100,000 रुपया है, कहते हैं उसके पास 1,00,000 रुपया है। जब तक उसके पास 90,000 है तब तक बोलेंगे भाई हमारे पास 90,000 रुपया है, हमारे पास 99,000 तक है तब तक हजार बोलेंगे, अगर 99,000 रुपया है तब तक हजार बोलेंगे, 99,000 है। लेकिन जैसे जैसे 1,00,000 हुआ, मतलब 100,000 हुआ, वैसे वो पलट जाएगा, फिर हमारे इंडियन नंबर सिस्टम में उसको क्या बोलते हैं, लाख बोलते हैं। क्या बोलेंगे कि हमारे यहाँ जो है हमारे पास 1,00,000 रुपया है या 1,00,000 लोग हैं, जो भी चीज़ कुछ भी हो, लेकिन इंटरनेशनल लैंग्वेज सिस्टम में यानी अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, जापान वगैरह में क्या बोलेंगे, 100,000। वैसे हिंदी में नहीं बोलते वो लोग, 100,000 बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, 100,000 या फिर 100,000, समझ रहे हो ना। तो इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज सिस्टम में पढ़ेंगे 218,395, दो वर्ड में बोलेंगे, मतलब दो बार में एक प्रकार से, या दो वर्ड जो भी तुम समझ लो, 218,395। क्या बोला मैंने, 218,000 बोल रहा हूँ, 218,000 मतलब 218,000, 395, यहाँ पे थाउजेंड वर्ड नहीं आया, समझो, यहाँ पर मैंने थाउजेंड नहीं बोला, 395, थ्री बोला, हंड्रेड बोला, 95, लेकिन यहाँ हम बोल रहे हैं 218,000 मतलब 218,000, समझ रहे हो, 218,395, इस तरह से इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज सिस्टम में समझेंगे। तो ये है इंडियन और इंटरनेशनल लैंग्वेज सिस्टम का एक छोटा सा जानकारी जो आप समझे। अभी आगे कहानी खत्म नहीं होती, पूरा पढ़ लो। बहुत से बच्चे बोल रहे थे जो पिछली क्लास में पढ़ाया गया था, थोड़ा हल्के में पढ़ा दिया गया था, तो मैंने सोचा इसे अपडेट कर देता हूँ। टाइम तो बहुत हो रहा है लेकिन फिर भी मुझे आपके लिए बहुत कुछ करना है, आगे समझो। अब यहाँ तक लाख तक तो हम लोग समझ गए, लेकिन यहीं से अभी बात खत्म नहीं होती है। जैसे देखो, अब मैं आपको सब्सक्राइबर वाला जो दिखा रहा था उसको दिखा देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा देखो आप लोग स्क्रीन पे, भैया कहाँ गया भाई, निकल जाए यार इमेज, ये है ना, देखो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो इमेज में, अब PBR स्टडी इलाहाबाद चैनल के अगर आप देखो तो लिखा है 265 के सब्सक्राइबर लिखा है ना, बोलो लिखा है। तो के का मतलब क्या है, यहाँ पर के का मतलब है 265,000, इसका ये मतलब है, ठीक है। अगर इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज सिस्टम में पढ़ेंगे, अमेरिका वाले कहेंगे, यूके वाले, तो क्या बोलेंगे, कहेंगे 265 के, वो लोग केवल के बोलेंगे, उतने में समझ जाएंगे। इसका एक अंतर थोड़ा सा और अच्छे से आप लोग समझो, इसमें थोड़ा कम अच्छे से डिसाइड हो रहा है, यहाँ से समझो। ये वीडियो देख रहे हो जहाँ पर टाइटल लिखा है अपराध एवं उन पर लगने वाली धाराएं, PBR स्टडी का एक मजाक में बनाया गया वीडियो था जो कि काफी सीरियस हो गया, क्योंकि इस देश में इतना ज्यादा क्राइम है कि क्राइम करने वाले लोग इसको देखते हैं, यहाँ तक कि पुलिस वाले भी इसको देखते हैं, इसमें से नॉलेज लेते हैं कि किस अपराध पे कौन सी धारा लगती है। आप भी जा करके इसको देख सकते हो, बगल में देखो हमारे दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, इधर साइड में देखो दिख रहा है ना, यहाँ पे लिखा है 2.8 m ब्यूज, मतलब समझो, यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं अपना ब्यूज दिखा रहा हूँ, समझो 2.8 m ब्यूज लिखा है ना बच्चा। यहाँ पर यम का मतलब क्या, मिलियन, क्या है, मिलियन। अब इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ, मतलब पोस्टमार्टम करके मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये पोस्टमार्टम करके मैंने दिखाया, 2.8 m जो दिख रहा था ना बच्चा, इसका मतलब यही है। देखो इधर साइड में तुम्हें दिख रहा है 28, 45, 250 व्यूज दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना 28, 45, 250 ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है, जहाँ पर टाइटल लिखा है अपराध एवं उन पर लगने वाली धाराएं, उसके नीचे देखो, अगर तुम देखोगे तो दिख रहा है, इतना बेवकूफ़ नहीं हो कि मैं मार्कर चला के दिखाऊँ उस पर, 28, 45, 250 लिखा है ना। देखो इसमें तीन तीन अंक पे कामा लगा है कि नहीं, देखो 250 है फिर कामा है, 845 है उसके पहले कामा है, दो है ना, है ना, समझ रहे हो, पीछे से कैसे गिनेंगे आप, अपनी स्क्रीन पे देखो, हमें मुंह मत, मेरा थोबड़ा मत देखो, चलो मैं अपने आप को छुपा लेता हूँ, अब तुम देखो, चलो स्क्रीन पे दिख रहा है तुम्हें, 2 दिख रहा है फिर कामा लगा है, फिर 8 दिख रहा है फिर कामा लगा है, सॉरी फिर 845 है फिर कामा है, फिर 250 है, इसको ऐसे पढ़ेंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, तब इसको पढ़ेंगे 2 मिलियन,
क्या पढ़ेंगे, 2 मिलियन, यही तो बोलेंगे, 845,250, समझ रहे हो ना, मतलब 8 मिलियन, ओ सॉरी 2 मिलियन और 845,000 और 250, इसका ये मतलब हुआ। लेकिन हमारे अगर इंडियन नंबर सिस्टम में इसको पढ़ते तो क्या पढ़ते जानते हो, हमारे इंडियन नंबर सिस्टम में इसको पढ़ते तो ऐसे पढ़ते, पहली बात तो पीछे से कामा दो दो अंक पे हम लोग लगाते हैं, ठीक है, दो दो अंक पे, तो क्या होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं इसको, हम लोग पहले से शुरू से स्टार्टिंग से कामा लगाते हैं 2,845,250, समझ रहे हो, हम लोग अपनी लैंग्वेज में इसको पढ़ेंगे 2,845,250, आप समझ पाए ना हमारी बात, समझ पाए ना, थोड़ा सा टिपिकल आपको मतलब टफ टाइप का लग रहा होगा, अजीब टाइप का ना, लेकिन ये अंतर होता है इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। अभी मैं और आगे आपको पढ़ाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, अभी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अभी इसमें बहुत कुछ आपको पढ़ाना है ना, डिटेल में पढ़ाऊंगा तो सब क्लियर हो जाएगा, सब निकल जाएगा बाहर, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। चलो तो इसको मैं हटाता हूँ, साइड करता हूँ, अब आप लोग आगे देखो क्या कहानी है उसको समझो, ठीक है, चलो तो स्क्रीन पे आ जाओ, यहाँ पे दिख रहा है आपको क्या लिखा है भाई, लाख तक हो गया, लाख के ऊपर आगे बढ़ते हैं, लाख के आगे अगर आप देखो तो हिंदी में हम लोग क्या समझ रहे हैं, 10 लाख ना, देखो लाख के आगे क्या है, 10 लाख लिखा है ना, फिर लेकिन जो 10 लाख है वो क्या है, एम है, मिलियन है ना, यहाँ से ये समझो भैया कि 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ये चीज अपने दिमाग में रख लो आज से, समझ में आ रहा कुछ, कि 1 मिलियन मतलब 10 लाख, यानी हमें PBR स्टडी में 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए, तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर का मतलब 10 लाख चाहिए, यानी अभी लगभग 3 लाख होने वाले हैं, 7 लाख और सब्सक्राइबर हो जाएं तो हमारे PBR स्टडी में, आपके अपने PBR स्टडी में 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मतलब समझ में आया आपको। मैं YouTube सब्सक्राइबर और व्यूज की बात इसमें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपका एक एग्जाम्पल है दिखाने लायक, जिसमें तुम जाके खुद भी देख सकते हो, समझ रहे हो ना, किसी वीडियो में ऊपर से देखोगे दिखेगा 2.8 व्यू है, अगर उसका डिस्क्रिप्शन देखोगे तो उसमें ओपन करके दिखाता है कितना कितना गिनती ना अलग अलग, हाँ तो ये होता है। आगे बात करें, अगर ये 10 लाख हो गया, उसके आगे 10 लाख, 10 लाख का मतलब मिलियन, फिर करोड़, जिसे हम लोग करोड़ बोलते हैं उसे 10 मिलियन कहा जाता है, मतलब समझ रहे हो, अगर कहा जाए कि भैया वित्त मंत्री जी ने 1 करोड़ रुपए का बजट ऐलान किया, हाँ 1 करोड़, मान लीजिए शिक्षा व्यवस्था के लिए 1 करोड़ का बजट आया, मैं कोई सही घटना नहीं बता रहा हूँ, एक आपको एग्जांपल समझने के लिए बता रहा हूँ, अगर शिक्षा व्यवस्था के लिए भारत देश में 1 करोड़ का बजट आता है तो इसका मतलब 10 मिलियन का आया, कितने का आया, 10 मिलियन का, कुछ बुझा उजा रहा है ना, 1 करोड़ का बजट अगर आता है, या 1 करोड़ रुपया, या 1 करोड़ आदमी, या 1 करोड़ कुछ भी की बात करो, किसी भी चीज की, तो 1 करोड़ का मतलब क्या, 10 मिलियन, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, अगर कहीं 10 करोड़ की बात होती है, यहाँ पे समझो 10 करोड़, तो भैया 10 करोड़ का मतलब यहाँ पे देखो HM लिखा है ना, HM का मतलब HMT घड़ी नहीं, HM का मतलब 100 मिलियन, यानी अगर बात किया जाए कि भैया भारत में इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए भारत सरकार ने 10 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है, तो 10 करोड़ का फंड जारी करने का मतलब है क्या, 100 मिलियन रुपए, 100 मिलियन, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम मतलब में बात करेंगे, अमेरिका वाले इसको ये ऐसे छापेंगे कि इंडिया हैज बीन इश्यूड 100 मिलियन रुपीज फॉर दिस वगैरह वगैरह, मुझे इंग्लिश नहीं आती, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, हाँ तो यानी इंटरनेशनल लैंग्वेज सिस्टम में इसको इस तरह से पढ़ेंगे, जो इंटरनेशनल हेडलाइन बनेगी, आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें ये 10 करोड़ नहीं लिखेंगे, वो लोग मिलियन में लिखेंगे, लेकिन हाँ हमारे इंडिया में छपता है, हमारे इंडिया के लोग पढ़ते हैं, इसलिए द हिंदू में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको करोड़ दिख सकता है, मिलियन कम ही दिखेगा, क्योंकि वो इंडियन का न्यूज़पेपर है। अगर आप कोई इंटरनेशनल वाला देखो या कोई इंटरनेशनल वेबसाइट देखो, जैसे अब यूट्यूब ले लो, यूट्यूब एक इंटरनेशनल वेबसाइट है, मतलब ये अमेरिका की कंपनी है यूट्यूब ना, अमेरिका का क्या है वेबसाइट है, अमेरिका का ऐप है, गूगल भी अमेरिका का है, तो इस वजह से ये लोग क्या लिखते हैं, मिलियन में लिखते हैं। वहीं तुम अगर बात करो उसकी, क्या बोलते हैं, भारत की जितनी भी कोई भी वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट पे अगर आप जाओ तो वहाँ पे कोई आंकड़ा अगर देखोगे आप, तो उसमें मिलियन में नहीं दिखेगा आपको, करोड़ में दिखेगा, हाँ क्योंकि हम लोग की इंडियन की जो नंबर सिस्टम पद्धति है वो अलग है, लेकिन जो हम लोग कोई बड़ा काम इंटरनेट पे करते हैं कुछ भी, तो वो इंटरनेशनल लैंग्वेज सिस्टम में ही करते हैं, क्योंकि हमें वो चीज़ आना चाहिए, ठीक है, समझ गए। तो 10 करोड़ का मतलब होता है क्या, 100 मिलियन,
उसके आगे अगर हम बात करें भैया अरब अरब जो बोलते हैं ना अरब, आप देखोगे 1 बिलियन सब्सक्राइबर बहुत कम ही मिलेंगे किसी चैनल पे। नाम मात्र के कुछ गेमिंग चैनल हैं जिनके बिलियन सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि उसको हर कोई गेम खेलता है। हमारे इंडिया में तो बूढ़े लोग नहीं खेलते हैं, लेकिन दूसरे देशों में बूढ़े लोग भी गेम खेलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ, क्योंकि उनकी ज़िंदगी उसी में होती है। तो 1 अरब का मतलब जानते हो? 1 अरब का मतलब 1 बिलियन, 1 अरब का मतलब 1 बिलियन। अभी तक हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, तो ये करोड़ और लाख करोड़ तो जानते थे, लेकिन हम लोग मिलियन बिलियन नहीं सुने थे। तो अगर कहीं न्यूज में या कहीं हम लोग सुनते थे, तो हमें ऐसा लगता था कि दुनिया की सबसे बड़ी गिनती मिलियन बिलियन है। कहते मिलियन बिलियन, अरे मिलियन बिलियन कोई कहीं आसमान का वो नहीं है। हाँ, मिलियन का मतलब क्या है भाई? मिलियन की औकात हमारे करोड़ के बराबर है। ये देखो, मिलियन की औकात क्या हमारे करोड़ के बराबर है? लेकिन हमें ऐसा लगता था, अगर आप नहीं जानते थे तो आपको अभी अभी तक ऐसा ही लगता रहा होगा कि अगर कहीं मिलियन की बात हो रही, बिलियन की बात हो रही, इसका मतलब बहुत ज्यादा की बात हो रही। नहीं, अगर बिलियन की बात करें तो हाँ ज्यादा है, क्योंकि वो अरब में चला जाता है, लेकिन अगर मिलियन की बात करें तो भैया वो करोड़ में ही है। समझ रहे हो ना? आपको समझ में आ रहा ना? ये तो मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, अभी इस पर कुछ क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे। अगर अगर हम लोग क्वेश्चन करने का मतलब नंबर देंगे, आपको दोनों नंबर सिस्टम में लिखना होगा, तब आपका कुछ ज्यादा क्लियर होगा। इसमें थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा ना, क्योंकि ये कहानी टाइप का है, लेकिन अगर ये कहानी समझ लोगे तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। समझ रहे हो ना? तो अब कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं। आप क्वेश्चन देखो, आप सभी चलो क्वेश्चन करवाते हैं। ये कहानी आप समझ गए ना? अगर 1 बिलियन की बात करें मतलब 1 अरब, अगर 10 बिलियन, 10 बिलियन मतलब 10 अरब, ठीक है? तो चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। शॉर्टकट में इसकी कहानी समझ लीजिए। अभी तक मैंने बहुत एक्सप्लेन करके लिखा हुआ था, तो आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा वहाँ पे। यहाँ पे देखिए, आपको कुछ ज़्यादा क्लियर हो रहा है, समझिए। ये नीचे जो है इंडियन नंबर सिस्टम है, ये भैया इंडियन है, हाँ इंडियन दिख रहा होगा आपको, ये इंटरनेशनल है। आप समझ के चलो, ये भाषा तो इंग्लिश लिखी गई है दोनों में, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ये हिंदी में है, हमारे यहाँ की इंडियन नंबर सिस्टम है, इंटरनेशनल है। ये 1:10,000, इसमें भी 1:10,000, इसमें देखो 10,000 है, इसमें भी 10,000 है, इसमें लाख हो जाता है, इसमें 100 लाख मतलब 100 लाख, इसमें 10 लाख, इसमें मिलियन, इसमें 10 मिलियन, इसमें करोड़, इसमें 10 करोड़, इसमें 100 मिलियन, इसमें बिलियन हो जाता है, इसमें अरब हो जाता है, ठीक है? ये मतलब है। चलो जैसे हम इसमें से कोई गिनती आपको गिना के दिखा देते हैं, इसी पे रख के स्ट्रक्चर पे, तो आप सभी मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 5, 9, 1, 7, तो बताओ इसको क्या पढ़ेंगे? जो मैंने नीचे लिखा है नंबर, केवल तुम्हें इसको ध्यान देना है, ऊपर खाना वाले में नहीं। हम लोग अपने देसी भाषा में बात करें, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यही पढ़ते आए हैं, हजार यहाँ पे हो रहा है ना, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, हजार मतलब एक गिनती, 10,000 होता तो दो गिनती पकड़ते हैं, तो 5,000 इसको छुपा लें तो क्या बचा, 917, यानी 5,917। लेकिन अगर इसको हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बात करें, इंटरनेशनल छोड़ो, उसके पहले इसको इंग्लिश में बात करो, इंडियन नंबर सिस्टम में ही पढ़ो, लेकिन इंग्लिश में पढ़ो, जैसे CBSE वाले पढ़ते हैं, तो कैसे पढ़ोगे भाई? 5 किसकी जगह पे आ रहा, 1000 की जगह पे ना, तो 5000 100 की जगह पे आ रहा, 9 आ रहा ना, देखो 109 ना, 5917, क्या पढ़ेंगे, 5917, याद रखना, 17 बोलेंगे, तीन तीन जानते हो ना, अगर 70 बोलेंगे तो फिर 70 हो गया, वो इंग्लिश का 1-2 भी पढ़ लेना आप, ठीक है? तो ये क्या हो गया, 5917 इतना हो गया। तो ये तो छोटा सा था कहानी, आप समझ गए आसानी से, लेकिन अब इधर देखो, अगर इसमें थोड़ा सा बड़ा करें, तब जैसे मान लो कि मैंने इसमें बढ़ा लिया कोई गिनती, और भी 4-6 बढ़ा लिया, यहाँ पे आप समझो, मुझे लग रहा है थोड़ा वीडियो कुछ गड़बड़वा रहा है का। हाँ भाई रुक जा यार, काहे को, देखो यहाँ पे 5, ये 1, और ये मान लो 2, चलो यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा आप लोग भी दिमाग लगाइए। यहाँ तक सबसे पहले हम इंडियन नंबर सिस्टम में इसको पढ़ते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होगा भैया, जरा देखो समझो, हिंदी में पहले बात करें, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 10 लाख,
यही बन रहा है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 फिर लाख 10 लाख, कुछ और बन रहा है, यही बन रहा है ना। तो 10 लाख का मतलब 10 की बात आ रही, मतलब दो गिनती मिला के लेके चलेंगे, यानी ये कितना हो जाएगा 21, इसको भी मिला लेंगे, और ये कामा वामा हटा दो जो पहले लगा था। अब इसको छुपा लो तो कितना बचा भाई, इतने को गिनो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 55,000 और 917, यानी हम कह सकते हैं 21,55,917। क्या पढ़ेंगे, 21,55,917। इसके आगे रुको थोड़ा सा, इसी नंबर को अब अगर आप इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पढ़ें तो क्या होगा, जरा यहाँ से गौर फरमाइए, समझिए। अगर इसको हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पढ़ें तब, अब सबसे ऊपर वाली लाइन आप लेंगे, ठीक है, मुझे एक रेड मार्कर ले लेने दो, फिर मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे समझो। अगर मैं इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बात करूँ, यहाँ से समझो, तो भैया दो यहाँ है ना, ये किसके ऊपर तक जा रहा, जरा समझो, यहाँ यम तक आ रहा ना, इसके सीधे में चलो तो कहाँ तक आ रहा, यम तक, यानी ये मिलियन वाले कालम तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, मिलियन वाले कालम तक जा रहा है। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की एक खासियत है, हमें पीछे से तीन तीन अंक पे कामा लगा देना है, पीछे से, पहले तो ये कामा इसमें से हटा दो, जो कहीं लगाए हो किसी मतलब से उसको हटा दो, पीछे से तीन तीन अंक पे कामा लगाओ, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ये देखो तीन भाग में हो गया, यानी कहने का मतलब ऐसे समझ लो जैसे अगर हमें खाना खाना है तो जो खाना हम 2-3 ग्रास में खाते हैं, जो कवर बोलते थे देसी भाषा में, मान लो हमें 4 रोटी खाना है तो 4 रोटी मान लो हम उसे 10 टुकड़ों में तोड़ तोड़ के खाएंगे, हाँ भाई तो बहुत कम हो गया, 4 रोटी नहीं 1 रोटी मानो, ठीक है, 1 रोटी के अगर मान लो हम 10 टुकड़े करके खाते हैं तो वही अमेरिका वाले चाइना वाले ना 1 रोटी के 3 टुकड़े हम खा जाते हैं, हाँ मतलब वो ज्यादा ज्यादा मात्रा में। कैसे, देखो अगर इसको हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात ना करें, हिंदी में बोलें तो कैसे पढ़ रहे थे, 21,55,917, भाई ये तो दोनों में बराबर है, हो रहा है, उसमें भी हम लोगों ने 3 बार में यूज किया था 21,55,917, इसमें भी 3 बार में यूज होगा, समझो, लेकिन ये हर जगह लागू नहीं होता, जैसे अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था वहां पे देखो 2 बार में बोला जाता था और हम लोग 3 बार में बोलते हैं, हाँ जैसे अगर ये मान लो गिनती 7 अंक की ना होके 6 अंक की होती तो हम लोग उसको 3 बार में बोलते हैं, जबकि इंटरनेशनल में 2 ही बार में बोलते हैं, अभी भी मैंने पीछे बताया था ना, अब समझो। तो इसको इंटरनेशनल में अगर बात करें, देखो 3 पार्ट में हो गया, यम तक आया मतलब मिलियन, यानी इसको मिलियन के नीचे क्या है, 2, तो हम बोलेंगे क्या, 2 मिलियन, क्या बोलेंगे, 2 मिलियन, ठीक है, 2 मिलियन, उसके बाद 55 कहाँ है, 10,000 के नीचे है ना, 10,000 के नीचे है ना, 10 का मतलब दो गिनती निकाल के हमें बोलना, याद रखना, तो 10,000 के नीचे क्या है, 5 है, तो इसके पीछे वाला भी 1 में ले लेंगे, क्योंकि 10 का मतलब 2, भाई 10 में इकाई दहाई दोनों होती है ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, 2,55,000, क्या गड़बड़ा रहा ना कुछ, ये जो मैंने कामा लगाया ना, ये चीज गड़बड़ हो रहा है मुझे लग रहा है, ये चीज लग रहा है मुझे गड़बड़ हो रहा है, देखो समझो कैसे, यहाँ पे देखो एक चीज तो हम लोग नजरअंदाज कर दे रहे थे, वो क्या है, इसी वजह से ये इसको गड़बड़ा रहा था, वो ये है कि 2 मिलियन तो हम बोल दे रहे हैं, 55 का हिसाब कर रहे हैं, लेकिन ये चचा को छोड़ दे रहे हो बीच में, हाँ चचा का हिसाब जरूरी है भाई, ये कहाँ तक आए हैं, 100,000 तक आए हैं ना, 100,000 ना, तो 2 मिलियन, ये 100,000 का मतलब 100 में 3 गिनती होती है ना, कामा भी 3 पे लगा है, तो ये तीनों मिला के एक ही बार में बोला जाएगा, तो इसे बोलेंगे 2,155,000, ठीक है, 2,155,917, समझ रहे हो ना, 155,000, आप लोग लिख लो जो लिखना चाहो, मैं स्पेलिंग तो बोल ही रहा हूँ, 1,917। तो ये हो गया इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का मुख्य अंतर जो आप समझ रहे हो, अभी और समझो, अभी जाना नहीं, एकदम घोल के पी जाओ, नहीं अभी खोपड़ी में बस रहा है, एक बार देख लो, एक बार फिर शाम तक देख लेना, वैसे ये क्लास आपने PBR स्टडी ऐप में विशेष रूप से ले रखी होगी तो आपको पूरा मिल गया होगा, इसका पूरा पार्ट कम से कम 1 घंटे में मैंने अच्छे से समझाया है, पूरा डिटेल में, फुल डिटेल में एक्सप्लेन, अभी और समझो, ये हो गया इतना, तो ये तो हम लोग यहाँ तक पैर पसार चुके हैं,
अगर हम और आगे थोड़ा पैर फैलाएं तब क्या होगा? हाँ समझते चलो, समझते चलो भैया। अगर मान लो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, चलो अब तो सारी कहानी फिर बदल जाएगी जो कामा वामा लगा है। हाँ अब कोई इसको मुझे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पढ़ के सुनाए जल्दी, चलो फटाफट बताओ, नहीं तो आप लोग अपनी कॉपी में लिखो, मैंने ये क्वेश्चन दिया है तो मैं, मान लो चलो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इसे क्या बोलेंगे बताओ, चलो जल्दी करो फटाफट जल्दी करो, देखो समझो। हम अभी इंटरनेशनल में पढ़े हैं तुरंत जस्ट, इसलिए फिर उसी में बोलेंगे। हाँ सबसे पहले मैंने बताया था पीछे से हमें 3-3 अंक पे कॉमा लगाना है, बिना कुछ करे यहाँ से 3 अंक पे कॉमा लगाओ, यहाँ से भी 3 अंक पे कॉमा लगाओ, अभी भी ऐसे ही हुआ था। तो ये देखो कहाँ तक जा रहा है, 10 मिलियन ना, 10 मिलियन के नीचे जा रहा 3 ना, तो भैया 10 का मतलब है कि 2 गिनती होगी। अगर 100 आता तो मतलब 3 गिनती पकड़ेंगे, अगर कोई केवल मिलियन के नीचे आया इसका मतलब अकेला सिंगल, लेकिन अगर 10 मिलियन की बात हुई मतलब डबल तुरंत हो जाएगा, अगर 100 मिलियन की बात हुई तुरंत 3 गिनती अर्ज जाएगी उसमें, समझ रहे हो? तो ये 10 मिलियन बोला इसलिए 2 गिनती, यानी 32 मिलियन, क्या लिखोगे? 32 मिलियन, बाकी पीछे की कहानी वही पुरानी है। 32 मिलियन के बाद 155,917, समझ गए ना? तो ये था आपका क्या, इंटरनेशनल इंडियन, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंडियन में बात करें तो क्या पढ़ेंगे भैया? इंडियन में मैंने आपको बताया था कि 2-2 गिनती पे कामा लगता है, कल अल्लू यही तो बताया था ना, 2-2 गिनती पे कामा लगता है, वो भी किधर से? अब मालूम नहीं किधर से ना, चलो देखो समझो, कामा तो पीछे से ही लगेगा, 2-2 गिनती पे लगता है, मुझे तो यही पता था। देखो 2-2 गिनती पे लगा के, चलो 2-2 गिनती पे लगा लो चचा, समझो हाँ, ये तो सब 2-2 पे लग गया बराबर बराबर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये देखो कहाँ आया हमारा, करोड़ के नीचे आया ना, करोड़ के नीचे आया ना अकेला। अब हमें सिर्फ सी से मतलब है, ऊपर वाले से नहीं मतलब है, हम इंडियन में पढ़ने जा रहे हैं। तो 3 करोड़ क्या बोलेंगे, 3 करोड़, अभी कामा वामा हटाओ, यहाँ पे कामा नहीं काम करेगा, बताऊंगा अभी बाद में। 3,21,55,917, समझ रहे हो ना क्या बना? 3,21,55,917, आपको सिर्फ ये चीज समझना है कि इसके नीचे जा रहा है ये। अब कहीं कोई नंबर अगर पढ़ना होगा तो तुम पूरी ये पटरी तो बनाओगे नहीं जैसे मैंने बनाया है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में रहेगा, गिन लोगे ऐसे, ठीक है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे करके गिन लेना, ठीक है? समझ गए ना? तो इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या पढ़ेंगे? इंटरनेशनल में पढ़ेंगे भैया 32,155,917, जबकि इंडियन नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे 3,21,55,917। देसी भाषा में हिंदी में पढ़ो तब भी वही पढ़ेंगे, हाँ हिंदी में ही तो मैं बोल रहा हूँ इतना देर से। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको इंडियन नंबर सिस्टम में? इंग्लिश में 3,21,55,917। देखो इंडियन नंबर सिस्टम में मैं 2 लैंग्वेज बता रहा हूँ, एक हिंदी एक इंग्लिश, जबकि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में एक ही लैंग्वेज है, ओनली इंग्लिश, समझ गए ना? तो आप लोग हमारी बात कुछ समझ रहे हो, दिमाग में घुस रही कि नहीं, समझ रहे हो ना? चलो फिर समझ रहे हो तो फिर देरी किस बात की है। कुछ नंबर दे देता हूँ आप लोग, उनके नाम लिखना और फिर मुझे बताना। चलो देखिए ये कुछ आपके लिए होमवर्क है, आप लोग इन्हें लिखोगे, इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम दोनों लैंग्वेज में आप इनको लिखोगे और फिर मुझे बताओगे, ठीक है? इसमें किसी को कोई आफत नहीं होनी चाहिए, आप लोग इनको लिखोगे। अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में तो बता देना। क्लास 6 का जो आपका चैप्टर है ना पहला, मतलब जो स्टार्ट है कक्षा 6 की मैथ, वो इसी पर आधारित है, सारी कहानी इसी पर है, वो सब आप लोग अब कर लोगे बड़े प्यार से, एकदम धुआं धुआं कर दोगे, ठीक है? तो इस क्लास में इतना ही। अगर आपने इस क्लास को PBR स्टडी एप्लीकेशन में लिया था तो आप लोग अगला पार्ट देखिए फटाफट। अगर आप इसे कहीं और डेमो के रूप में देख पा रहे हैं YouTube पर या Facebook पर, तो PBR स्टडी ऐप डाउनलोड करिए, पूरा कोर्स एनरोल करिए। हाँ, इसका आंसर चेक कराने के लिए आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे, कैसे चेक होगा, क्या होगा, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ।
आप लोग एक काम करना, क्या सभी जितने भी बच्चे हैं मुझे लगता है सब चलाते होंगे इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम चलाते हो ना आप लोग, इन सभी को हल कर करके इंस्टाग्राम पे क्या करना, पोस्ट करना और हमें उसमें इनरोल कर देना, ठीक है? जानते हो करना कि नहीं है? हाँ, वहाँ पे हमारी तरफ से सारे आपके आंसर जो भी स्टूडेंट किए रहेंगे चेक हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो आप @PBRStudy को ट्विटर पर टैग कर देना सारे आंसर इसको हल करके, ठीक है? करके वहाँ पे आपका चेक हो जाएगा, वहाँ पे आसान होता है। व्हाट्सएप, व्हाट्सएप में भेजते हो तो बहुत सारा मैसेज आता है, फिर मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है? अगर नहीं मालूम है ये सब क्या है कैसे करते हैं तो नंबर दिया गया उस पर हेल्प लेना। बहुत बहुत थैंक यू, फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।